कि मेरा ये वाला राइट हैंड पूरा ऐसे नर्व्स दिखने लगी। पहली बार मेरी लाइफ में जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ था। फिर लॉकडाउन आया, फिर सब खत्म हो गया। वो जो जितना हमने किया था इतने सालों में, एकेडमी ये वो सब 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 स्टॉप हो गया। तो मैं इस यही रीज़न है कि मैं भोजपुरी को भी नहीं छोड़ सकती हूँ। अच्छा सिर्फ उनका हक है करोड़ों कमाने का, हम नहीं कमा सकते? पूरे टाइम गुस्से में रहती थी और वैसे साड़ी ऐसे कमर में बांधनी और किसी से बात नहीं करनी और हमेशा चिड़चिड़ी रहनी। कुछ भी घर में लड़ाई होती है एक दराती पकड़ के निकल जाती थी घास काटने के लिए। ये है वो है हमारी संस्कृति खराब कर दी, ये है वो है, साड़ी पहनो पिछौड़ा पहनो। मुझे लगता है यही मेरे ससुर है जी। तो अब व्यूवर्स के सवाल पे आते हैं, पूछने की फिटकरी का फॉर्मूला क्या है? सेशन है जो हम आपके साथ करना चाहते हैं, पहचान कौन। अब पहचान कौन वाले सेशन में हम क्या कर रहे हैं कि हम श्वेता को, जिनके साथ आपने काम किया है, उनके फोटोज उनकी आंखें दिखाने वाले हैं। जब श्वेता है तो डांस तो बनता ही है। उत्तराखंड में करीब 1.5 साल से एक सेंसेशन चला आ रहा है, वो जिस गाने में डांस करती है वो गाना हिट होना तय माना जाता है और इसीलिए उसकी डिमांड उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पे भी है। हालांकि दूसरी जगहों पे पहले से ही काम कर रही थी उत्तराखंड आने से पहले। अगर आप अभी भी इस इंट्रोडक्शन से नहीं पहचान पाए हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं तो एक गाना आप सुन सकते हैं, क्रीम पाउडर। क्रीम पाउडर की निर्मला जो है वो आज हमारे साथ है। और निर्मला, श्वेता महारा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच आने के लिए। और आपने अगर क्रीम पाउडर नहीं सुना है तो हे मधु आपने ज़रूर सुना होगा। हे मधु अगर आपने नहीं सुना तो चाह का होटल ज़रूर सुना होगा और ढाई हाथे धमेली, वो तो अभी हाल ही में आया है। तो कई गाने हैं जो श्वेता महारा के हैं और जो भी गानों में श्वेता नज़र आती हैं वो एक हिट बन जाता है, एक सुपरहिट गाना साबित होता है। और अधिकतर गाने आपने मुशकबीन के साथ गाए हैं। तो श्वेता, मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करूँगा। आप जो है, मतलब आपकी पहचान, हम उत्तराखंडी हैं तो आपको उत्तराखंडी गानों से जानते हैं। सबसे पहले मैं आप शुरुआत करूंगा आपके बचपन से कि श्वेता महारा दिल्ली में रहती हैं, अभी बचपन कहाँ बीता, किस तरह का था और कैसे ये, मतलब एक पहाड़ी लड़की कैसे डांस की तरफ आई, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो घुघुती के सभी दर्शकों को प्रणाम नमस्कार पहला, और दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और ये मौका दिया कि आपके ऑडियंस तक भी मेरी बात पहुँचे। और जिस तरीके से आपने क्वेश्चन पूछा बहुत ही अच्छा है क्योंकि किसी की भी शुरुआत बचपन से ही होती है और बचपन से शुरू होते हैं फिर लास्ट में मुझे लगता है बुढ़ापे में बचपन में चले जाते हैं। तो बचपन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक करियर की शुरुआत कहते हैं ना वो बच्चे का दिख जाता है बचपन से, ये कुछ अटपटा ही है कुछ अलग करेगा। तो मैं बचपन से ही थी ऐसी, एक तो शांत भी रही हूँ, थोड़ी ज़िद्दी भी रही हूँ, अपने काम को लेकर बहुत ज़िद्द रही है मेरे अंदर। तो रामलीला होती थी गांव वगैरह में और उससे पहले मैं दिल्ली में रहती थी तो दिल्ली में ना एक डांस सीखा था मैंने, भूमरो भूमरो। ओके। और एक ही कोरियोग्राफी मैंने सीखी थी तो मैं जब गांव गई तो वहाँ रामलीला हो रही थी तो सबने बोला कि होता है ये बच्चे बच्चे कर लेते हैं। सेकंड क्लास में थी मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर लेती हूँ। मैं छोटी सी थी, मैं गई, मैंने ऐसे से पैर वैर छुए तो ऑडियंस देख रही है कहाँ से आई थी छोटी सी लड़की वो भूमरो वाली ड्रेस पहन के। मैंने वहाँ परफॉर्म किया तो सबको अच्छा लगा। फिर वहाँ से ऐसा मैं कुछ गाँव गई कि मैं वापस ही नहीं दिल्ली आ पाई, कुछ ऐसी फैमिली प्रॉब्लम्स हुई वहाँ पे। फिर कंटिन्यू धीरे 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 करके स्कूल में डांस करना, फिर जो मेरे गुरुजी थे वासु गुरुजी उनके गांव से भी मैं डांस करती थी, फिर अपने गांव को भी रिप्रेजेंट करती थी। फिर वहाँ महोत्सव होते थे, वसंत उत्सव बहुत पहले हुआ करता था गंगोली हाट में। तो इस तरीके से वो डांस की जर्नी स्टार्ट हुई। बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इसमें करियर ऐसा कुछ आगे बनाऊंगी। हाँ, लेकिन वो डांस वीडियोस देख के, जो पहले टाइम पे ना एल्बम्स चलती थी वो सीडी वाला सिस्टम, तो मैं ऐसे सोचती थी कि इसी में कब आऊँगी मैं, मतलब ऐसा मेरे दिमाग में था। तो इस तरीके से मेरी धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। फिर दिल्ली आना, दिल्ली में सीखना करना, बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, फैमिली के कुछ बोलते ना कुछ अलग से तत्व होते हैं वो चाहते नहीं है करना तो वो चीज़ें भी हुई हैं। फिर धीरे 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 करके पता नहीं शायद मेरी जिंदगी में था ये कि मैं आगे बढ़ूँ उसमें और लोगों ने पसंद किया है। मैं तो सबसे मेन है लोगों ने, क्योंकि जब मुझे याद है मैं जब उत्तराखंड को टाटा बाय बाय कर रही थी क्योंकि अब दिल्ली शिफ्ट होना था, पढ़ाई करनी थी, सारी चीज़ें करियर पे फोकस करना था, तो उस टाइम पे जब हम निकले ना तो पूरा गाँव रोता है
ऐसा होता है ना, मम्मी जब निकलती है तो माइके वाले सब थोड़ा सब आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, रोने लगते हैं। यस यस, अच्छा सब रो रहे हैं और सबने मुझे ब्लेसिंग दी उस टाइम पे, उस गांव की पूरी औरतों ने, कि मेरी मम्मी से बोला तू जा रही है ना इसको लेके दिल्ली, तो इसको डांस जरूर सिखाना। मतलब उनके जुबान से निकली हुई बात, और बोला कि एक दिन देखना हीरोइन बनेगी। तो वो उन लोगों का आशीर्वाद है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। वो जो लोगों का प्यार मुझे स्टार्टिंग से मिला है ना, शायद उसकी वजह से यहाँ तक वो प्यार आज भी मिल रहा है आपको। मतलब आप चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे भोजपुरी में हो, या राजस्थानी आप कर रही हो, बात हम कर रहे हैं आपके बचपन की, गंगोली हाट के आप रहने वाली हैं। गंगोली हाट में पहले आपका गाँव कौन सा, वो भी बताएगा, और साथ में आप स्कूलिंग जो है आपकी, स्कूलिंग एंड कॉलेज आपने कहाँ से किया, उसके बारे में थोड़ा सा। अच्छा, गाँव में मैं बेसिकली जीवल से हूँ, और जीबल में स्कूलिंग की वो सुविधा नहीं थी, तो हमें मम्मी के मायके में रहना पड़ा, जिसका नाम है रावल गांव। ओके। और रावल गांव थोड़ा सा डेवलप वो है, गांव है, तो वहाँ पे कॉलेजेस भी थे, स्कूल्स भी थे, सब कुछ था। तो हम लोग नाना नानी के घर पे ही रुके थे, और वहीं मैंने 5 साल पढ़ाई वगैरह की है। और मेरे स्कूल का नाम था तक्षशिला पब्लिक स्कूल। ओके। और शायद वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मतलब स्कूल से। और आज भी मेरे दोस्त हैं, जो आज भी मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, और वो भी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो मैंने 5 साल वहीं पे पढ़ाई करी, उसके बाद मैं दिल्ली आई। दिल्ली आई, दिल्ली में आपने कॉलेज मेरे ख्याल से किया होगा। हाँ, मैंने यहाँ बीबीए करा है, फिर मैंने कथक पे भी कुछ कुछ चीज़ें करी हैं। मतलब आप बीबीए कर रही थी और मतलब अचानक डांस, चलो आपका इंटरेस्ट तो था, बट एज अ करियर, मतलब कब आपको लगा कि यार एज अ करियर मुझे डांस को ही अडॉप्ट करना है, बीबीए नहीं करना है? बीबीए मेरा कंटिन्यू चल रहा था, और मैं साथ ही साथ 12th क्लियर होते ही मैंने जॉब पकड़ ली थी। कभी मुझे कहीं पे भी काम मिले मैं करने लग जाती थी। पहले मैं ट्यूशन क्लासेस देनी, 12th का मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था, उससे पहले एक सलोन में मैं जॉब करने लगी थी, क्योंकि 10th में नहीं होता है वो ब्यूटी वाला करना है। yes. तो फ्री का कोर्स होता था, वो करा था, और पैशन भी था एक अंदर कि मतलब सिलाई सीखना, यू नो पार्लर का सीखना, और ये सब चीज़ें करना मेरे को स्टार्टिंग से रहा है, अपने लिए भी रहा है, और थोड़ा बहुत कमाई हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है। और लोगों के घर घर जाके वो फेशियल करना, ना भाभी बड़ा बुला देती थी कि आ जा चल मेरा कर दे, चलो 200 दिहाड़ी बन गई या फिर 300 बन गई, और उससे जो पैसा है फिर अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है ना, फिर अब मैं ये चीज़ खरीदूंगी, तो ये चीज़ें रही हैं। और फिर एक सलोन में मैंने जॉब की थी, 1800 रुपये, सलोन नहीं बोलूँगी, सिर्फ ब्यूटी पार्लर ही बोलूँगी एक्चुअली मैं। तो वहाँ से मैंने किया, 3 महीने मैंने कुछ काम किया होगा, और वहाँ से मैंने कुछ कुछ चीज़ें सीखनी स्टार्ट करी। फिर एक एयरसेल का वो होता है, एक एयरसेल की कंपनी थी, वहाँ पे एज अ टेलीकॉलर मैंने काम किया। okay. तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा बोलने का। yes. फिर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं शिफ्ट हुई, फिर 10,000 सैलरी हुई वहाँ पे, वो करने लगी। तो बीबीए कर रही थी, तो पापा के एक नोन में ही थे, उन्होंने बोला कि इसको हमारे ऑफिस में भेज दो, वो जिप एंड थ्रेड की कंपनी थी। okay. और वहाँ पे एज अ अकाउंटेंट, मतलब मैं वहाँ पे लगी एज एन अकाउंटेंट, वहाँ करने लगी, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। और जब सब काम करने के बाद, वो 24 घंटे सिर्फ लैपटॉप में और पीसी में आपको बैठना है, और एसी इधर है सर के ऊपर, और सिर्फ आप काम कर रहे हो, वो 10 से 6 वाली नौकरी, सैलरी भी अच्छी थी उस टाइम पे, 16-17 हज़ार मुझे सैलरी उन्होंने ऑफर करी थी। और ये था कि भाई तुम बीबीए करो, उसके बाद एमबीए करना, और तुमको मैनेज करना है, करियर सेट है, और क्या दिक्कत है। और ऐसे करके, क्योंकि काफ़ी यंग थी, तो सब लोगों को था कि हाँ सबसे यंगेस्ट लड़की हमारे ऑफिस में आई है। मैं काम कर रही, मुझे एक हफ्ता हुआ, एक हफ्ते के बाद मैं जैसे ही काम करने लगी, मेरा ये वाला राइट हैंड पूरा ऐसे नर्व्स दिखने लगी। पहली बार मेरी लाइफ में, ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ था। और मैं ऐसे हाथ ऐसे लेके गई अपने मैनेजर के पास, मैंने कहा मैम देखो ये क्या हो रहा है। वो घबरा गई, देखी उसे हाथ पकड़ के ऐसे देखने लगी, मेरे घर फ़ोन किया कि इसको ना कुछ हो गया, इसको लेके जाओ आप। तो मैंने कहा नहीं, उनको डिस्टर्ब मत करो, मैं खुद चली जाऊंगी। तो मैंने वहाँ से बस पकड़ी और अपने घर पहुँची। घर गई मैं, मम्मी को बोला मैं नहीं कर सकती, मेरे बस की नहीं है ये सब करना। पापा गुस्सा, क्योंकि पापा थोड़ा अच्छी खासी जॉब आप छोड़ रहे हो, जॉब है, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं, करना क्या है। फिर मैं अपनी मैम के पास गई, जो मेरी स्कूल टीचर थी, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने बोला तुझे करना क्या ये बता। मैंने कहा मुझे ये नहीं करना है, 10 से 6 वाली नौकरी नहीं करनी है, मुझे ना डांस करना है। ये लाइन थी मेरी कि मुझे बस डांस करना है। वो मेरा हाथ पकड़ के लेके गई, मेरा जो कथक छूट गया था वहाँ लेके गई। मेरे पास थे भी नहीं उस टाइम पे इतने पैसे, क्योंकि जो पैसे आते हम घर में दे देते थे। और उन्होंने मेरा एडमिशन किया, 2,500-3,000 रुपये उन्होंने, मुझे याद है, उन्होंने दिए थे, और बोला कि तू लग जा। अच्छा, अब वो हो गया, लेकिन कमाए कैसे? ठीक है, कोर्स तो चलो हम कर रहे हैं। फिर मैंने एक अकेडमी खोली छोटी सी, किसी का घर था और वो लंदन में रहते थे, तो उनके एक हॉल था, उन्होंने दिया हुआ था, बोला आप खोलो। तो मैंने वो खोला,
और फिर वहाँ पे बच्चे सिखाने स्टार्ट करे, तो उससे 2-3 चीजें होती थी। एक तो इनकम छोटी छोटी आनी स्टार्ट हो गई थी, दूसरा फिर एरिया में नाम बनना स्टार्ट हो गया था। तो GDD स्टूडियो को काफी टाइम हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं, 8वां साल लगने वाला है। तो 8 साल से तो वो एक उसको एक बच्चे की तरह मैंने पाला है और आज भी वो चल रहा है। तो इस तरीके से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई डांस की, और धीरे 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 करते करते जब मैं अपने स्टूडेंट्स को, एक फैशन शो था दिल्ली में, मैं वहाँ लेके गई, तो जो ऑर्गेनाइजर थी उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि वहाँ पे बड़ों का भी हो रहा था फैशन शो, बोला कि श्वेता चल ठीक है तेरे बच्चे आए लेकिन तू क्यों नहीं करती। मैंने बोला नहीं नहीं बच्चे तक ही ठीक है, वो मेरे को नहीं करना है ऐसा। बोला तेरे को शौक है? मैंने कहा हाँ, किसको शौक नहीं होता है, लेकिन मैं करूँगी कैसे, अरे हम सिखाएंगे तुझे। तो वो मेरा पहला इवेंट था जिसमें मेरे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट करा, मैंने खुद भी किया। मैं जब वहाँ पे आई, मैंने मॉडल से मिली, दिल्ली के मॉडल से, आपको तो पता ही है मतलब बिल्कुल ही अलग ही दुनिया है ये। कुछ अच्छे लोग भी मिले, कुछ बुरे लोग भी मिले, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि सब अच्छे मिले सब बुरे, मिक्स था। मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे वहाँ पे, जितने भी चाहे लड़के थे चाहे लड़कियाँ थी, मैं उन लोगों से मिली, मुझे मज़ा आने लगा। मैंने कहा यार ये कुछ अलग चीज़ है, एक अट्रैक्शन, मैं तो शायद वहाँ पे एक अच्छी अट्रैक्शन बन गई थी सबकी। जो शो स्टॉपर था उसको कोई नहीं दिख रहा था, मुझे सब देख रहे थे। तो फिर एक वो थोड़ा पोंगे में भी चढ़ा देते हैं, वो जो पुश मिला मुझे फिर मेरे दोस्तों से ही या ऑर्गेनाइजर से सबसे। फिर धीरे 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 फैशन शो में उतरी, फिर खुद के शोज कराने लगे, फिर एक छोटी वीडियो का एक मुझे ऑफर आया यूट्यूब के लिए, बोले ऐसे ऐसे करना है। मैंने पूछा नहीं कि कितने पैसे मिलेंगे, मैंने फ्री में कर दिया, 1, 2, 3, 4, 10 वीडियो फ्री में कर दी। मैंने कहा मैं फ्री में तो कर रही हूँ, इसके व्यूज आ रहे हैं, मुझे पैसा क्यों नहीं दे रहा है। अच्छा पैसे तो मैं कमा ही दी थी, वो मैं बड़ी शौक के लिए कर रही थी एक्टिंग। ऐसे करते करते मैंने एक पंजाब से मुझे ऑफर आया, एक यूट्यूबर है उसका, कि ऐसे ऐसे करना है, उसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे। मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ। तो मैंने उसका करा, ट्यूशन टीचर करके एक वेब सीरीज थी, वो बड़ी हिट रही मेरी, और उसके बाद वो MX प्लेयर पे चली गई। मैं जब दिल्ली में, मुझे लोग रिकॉग्नाइज करने लगे, मैम आप वही हो ना जो उस वेब सीरीज में थे। मैंने कहा अरे इतनी हिट हो गई, पहचानने लग गए। तो फिर धीरे धीरे वहाँ से थोड़ा फैन बेस बनने लगा, फिर लॉकडाउन आया, फिर सब खत्म हो गया। वो जो जितना हमने किया था इतने सालों में, एकेडमी ये वो सब 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 स्टॉप हो गया। फिर अब क्या करें। फिर मुझे ऑफर आया भोजपुरी से, और सारे गामा कंपनी से मुझे ऑफर आया ऐसे ऐसे करना है। मैं वेद को बोलती कि मैंने नहीं करना है, भोजपुरी है ये, कौन करेगा, करानी अपनी। मैंने कहा ठीक है, पैसे वैसे भी दे रहे हैं यार, और कंपनी भी अच्छी खासी है, फिर वो हीरो का नाम सुना तो वो भी बड़ा है, मतलब बिग बॉस में आया है, इसमें सारे शोज में पहुंचा हुआ है, कपिल शर्मा सब कुछ। मैंने कहा क्या करें, चलो कर लेते हैं। हम पहुंचे, अच्छा होटल सब कुछ फैसिलिटी, साथ में स्पॉट बॉय है, मेकअप आर्टिस्ट है, पूरा स्टाफ लेके चल रही हूँ। एक नॉर्मल लड़की के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है यार, सेलिब्रिटी वाला फील क्यों आ रहा है। फिर वहाँ करा सब काम वाम करा, गाना बड़ा हिट हो गया, बड़ा स्टार था सब कुछ। फर्स्ट टाइम मुझे जो बॉम्बे से कॉल आई है वो वहीं से ही आई थी, उसका लॉन्च करना है, और पहला भोजपुरी का रेड कार्पेट मैंने किया था। तो वो सारी चीज़ें जो मिली ना, वो कहते हैं ना रातों रात किसी के दिन बदल जाते हैं, वो मेरे रातों रात बदले हैं। तो मैं इस, यही रीजन है कि मैं भोजपुरी को भी नहीं छोड़ सकती, ऑब्वियसली, क्योंकि आपका करियर उस पे एक पुश दिया है। एग्जैक्टली, वहाँ से स्टार्ट हुआ है, और कहीं ना कहीं भोजपुरी में भी ये तहलका मच गया था यार ये कुछ अलग सी आ गई है। एक तो पतली सी है, वहाँ की लड़कियाँ बड़ी पर मुझे नहीं दिखाना है भोजपुरी को गंदा, मुझे भोजपुरी को अच्छा दिखाना है कि अच्छी भी लड़कियां हैं या अच्छा काम भी होता है। तो मैंने इस तरीके से इस चीज में एंट्री ली। फिर वहां से थोड़ा सा ये हुआ कि यार जब आप अपने घर में नाम नहीं बना सकते हो ना, अगर आपके घर वाले आपसे खुश नहीं है, फिर बाहर वालों की खुशी क्या है। फिर मैंने एंट्री मारी अपने उत्तराखंड। उत्तराखंड पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन जब हम भोजपुरी की बात कर रहे हैं, भोजपुरी को आपको भी पता है कि भोजपुरी को लेकर एक माइंड सेट लोगों के दिमाग में होता है, थोड़ी वल्गैरिटी, वो सारी चीज़ें आती हैं। जब श्वेता मारा भोजपुरी में गई, और कई जब हम हमने आपका पोस्ट डाला अपने इंटरनेट पर, तो लोगों ने भी कमेंट्स किए भोजपुरी में आपका काम करना, और जिस तरीके का काम आप वहाँ पर करती हैं, लोग बोलते हैं कि यार एक पहाड़ी लड़की को नहीं सुहाता। तो मतलब एक तो मैं श्वेता को जानना चाहूँगा कि श्वेता को कैसा महसूस हुआ कि यार मुझे छोटे कपड़े पहनना, जो एक पहाड़ी लड़की के लिए काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, छोटे कपड़े पहन करके डांस करना, और दूसरा जिस तरह के वहाँ के लिरिक्स होते हैं उनको थोड़ा सा खुद को अडॉप्ट करना, तो आप उसको क्या कैसे, मतलब श्वेता को कैसा लगा, श्वेता के परिवार को कैसा लगा, और कैसा फीडबैक आपको लोगों से मिला? ओके, अगर मैं बात करूँ छोटे कपड़ों की, अगर देखो पार्टिकुलरली हम लोग सिर्फ भोजपुरी को टारगेट करते हैं, बॉलीवुड में चले जाओ कौन से बड़े कपड़े पहन के वो लोग करते हैं। कौन सा आइटम सॉन्ग आप दिखा दो कि कौन सा आइटम सॉन्ग ये पूरे कपड़ों में होता है,
करेक्ट, कौन सी इंडस्ट्री है, हरियाणा, पंजाब, जितनी बड़ी इंडस्ट्री के सब लोग नाम लेते हैं। अच्छा, सिर्फ उनका हक है करोड़ों कमाने का, हम नहीं कमा सकते क्या? हम लाखों में नहीं, क्या हम उत्तराखंड के हैं तो क्या हम वही 10-20 हजार वाले शूट करके खुश हो जाएं? हमारे घर वालों को क्या वो नहीं है कि हम भी बंगले बनाए, गाड़ियां ले? वेरी ट्रू। हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं उत्तराखंड में जो परेशान हैं, बाहर वो काम कर नहीं सकते हैं क्योंकि कल वो उत्तराखंड का एक बर्डन, उनका ऑरा बन गया, उनका ऑरा बन गया है। अच्छी बात है, लेकिन हमें उसको थोड़ा बड़ा भी तो करना है ना। मैं ये नहीं कह रही आप छोड़ो इंडस्ट्री, मैं नहीं छोड़ रही, मैं तो कर रही हूँ स्टिल काम उत्तराखंड में, लेकिन मैं बाहर भी काम करूंगी। True, सबको करना चाहिए। अगर आपको कोई ऑफर आ रहा है, आज मेरी पहचान, भले ही मैंने भोजपुरी से स्टार्ट किया हो, लेकिन आज मेरी पहचान उत्तराखंड से है। आज मैं भोजपुरी में काम कर रही हूँ, कहीं पे भी काम कर रही हूँ, लोग बोलते कि अरे उत्तराखंड की स्टार है, तो क्या वो प्राउड मोमेंट नहीं है? तो जो ट्रॉल कर रहे हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो लोग, उनका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है एक्चुअली। और आर्टिस्ट पे सवाल उठने के साथ ही यही होता है कि भाई आर्टिस्ट चल रहा है, आप लोग देख रहे हो, इसलिए तो चल रहा है ना। जी, बिल्कुल, एग्जैक्टली। वो सारी चीजें, वो पॉइंट्स हैं। अगर देखो पॉइंट्स बोलने में आऊं तो बहुत कुछ है, और मुझे लगता है जो मेरे से नफरत कर रहे हैं, आई लव यू, क्योंकि अगर आप नफरत नहीं करेंगे ना, मोटिवेशन नहीं मिलेगा मुझे। कहीं ना कहीं मतलब एक होता है ना, नेगेटिव कॉनोटेशन होता है तो लोगों को लगता है कि चलो कोई तो बात कर रहा है, यू नो, बात करना जरूरी है। उनकी जिंदगी में मैं कितनी इंपॉर्टेंस रोल निभा रही हूं, कितना इंपॉर्टेंट रोल है मेरा उनकी जिंदगी में, कि वो आके मेरे से उल्टे सीधे कॉमेंट करते हैं, फेक आईडीज बनाते हैं, फेक कॉमेंट्स करते हैं, तो पूरे दिन वो सोचो मेरे बारे में कितना सोचते हैं, और सोचो उत्तराखंड छोड़ के वो जाके भोजपुरी में जा रहे हैं, मेरे को स्क्रॉल कर रहे हैं कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, सोचो कितना टाइम है उनके पास। True. ये तो ट्रोल्स की बात हो गई, लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कॉन्वर्सेशन के दौरान उठाया, जो उत्तराखंड के कलाकार हैं, आपने भोजपुरी से शुरुआत की थी, तब बाद में आप उत्तराखंड आई हैं, जो पे चेक है इनका, जो कलाकारों को पैसा मिलता है, भोजपुरी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तराखंड से बेहतरी होगा, है ना? तो क्या डिफरेंसेस आपने देखा जब आप भोजपुरी से यहाँ पर आई, जब श्वेता को पहला ऑफर हुआ, तो क्या डिफरेंसेस आपको पे चेक के हिसाब से देखा, क्यों कलाकारों की कैसी स्थिति आपके हिसाब से, क्योंकि आप उस फील्ड में काम करती हैं, आपने देखा होगा कि उनको कैसा और कितना मिलता है? पे की अगर मैं बात करूँ, ये हर जगह का एक ही रोना है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। आप क्या सोचे पंजाब में आप जाएंगे, जाते ही आपको लाखों मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं, आपको फ्री में काम करना पड़ेगा। सब नाम के ऊपर, आप कैसा नाम बना रहे हो। मैं जब भोजपुरी में गई थी, हाँ, मतलब जो आज के यहाँ पे कमा रहे हैं, जो नॉर्मली जो अच्छे वाले चार्ज कर रहे हैं, वो मेरे को वहाँ मिल चुका था पहले, लेकिन वहाँ पे भी मेरा पे आउट धीरे धीरे बढ़ा जब मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी। ठीक है, तो सेम यहाँ पे होता है। यहाँ से थोड़ा ये कि देखिए गानों में व्यूज नहीं है इतने। अब एक साल छोड़ दो, आप एक साल से पहले अगर हम जाते हैं या डेढ़ दो साल पहले जाते हैं, अभी भी कई ऐसे गाने हैं जो 200-2000-3000 पे चार चार हफ्ते में रहते हैं उस पे। Exactly, कुछ गानों को छोड़ दें अगर। Exactly, लेकिन आप भोजपुरी में देखेंगे, भोजपुरी में हर दूसरा गाना वायरल है। उनके लिए ये 1 बिलियन आना बहुत नॉर्मल है। 500 मिलियन इज वेरी, मैंने खुद 200 मिलियन दिया है सोलो, जिसको कोई जानता नहीं था इंडस्ट्री में। 3 महीने बाद मैंने एक ऐसा गाना दिया, रेलिया गाना, और रेलिया गाना एक सैड सॉन्ग था एक्चुअली। वो सैड सॉन्ग आप जब सुनोगे ना, आपको हंसी आ जाएगी, बोले ये तो सैड सॉन्ग कहीं से लगी नहीं, वो ढिंचिक 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 डाल दिया, मैंने भी खूब डांस करा, और जो डायरेक्टर था वो वहाँ के थे, पंजाब के थे, उनको खुद समझ भी नहीं आया गाना कि कर दो भैया, तो बना दिया भाई, हमने बनाया, हमें क्या पता ये हिट हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, डिफरेंसेस हैं। आपने पन्नू के साथ काम किया, पन्नू गुसाई, आप क्रीम पाउडर जो है निर्मला को मनाने के लिए पन्नू गुसाई गए। तो पन्नू क्योंकि बहुत पुराने कलाकार हैं, मतलब जब उत्तराखंड में सीडीज आ रही थी तो वो शुरुआती कलाकार रहे हैं, और आपने उनके साथ काम किया है। अगर मैं ये कहूँ कि श्वेता एक नई लड़की थी उत्तराखंड इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में, पे चेक को लेकर के अगर मैं बात करूं, तो क्या पन्नू गुसाई को श्वेता से ज़्यादा मिलता था, या फिर स्थिति कुछ अलग है यहाँ पे? ऐसा है कि पन्नू जी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा किया गया, जो वो चाहते थे, जितना उनको चाहिए था, जो वो चार्ज करते हैं वो उनको उनको मिला। मैं जो चाहती थी, जो था वो मेरा अपना हिसाब का था, अपने हिसाब का था। बात नहीं करूंगी, बट मैं सारे एक्टर्स को यही बोलूंगी, अगर आपका नाम बन रहा है, अगर आप हिट दे रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जब आप हिट दे रहे हो, हिट्स आपके चल रहे हैं, तो आप अपना पैसा बढ़ाओ। अगर हिट विट नहीं दे रहे हो, ऐसे फ्लॉप चल रहे हो, तो नहीं, लेकिन श्वेता एक डर ये भी होता है ना कि यार मैं हिट तो दे रहा हूँ, मैं ये फलानी अमाउंट चार्ज करता हूँ, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो कहीं मेरा हाथ से गाना ना चला जाए। बिल्कुल है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डील कर रहे हो उसके ऊपर। मेरे को भी तो मिल रहा है, मैं तो गाने छोड़ देती हूँ, आप देखिए मेरे कितने गाने हैं मेरे।
चीज़ें चलती हैं, मतलब अगर आप डिमांड करो और आप डिलीवर करो तो चीज़ें मिलेंगी। अब आते हैं उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री पे, जब आपकी शुरुआत से बात करते हैं, उत्तराखंड में श्वेता की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि आप भोजपुरी में काम करती हैं, आप राजस्थानी गीतों में आपने डांस किया हुआ है, हरियाणा में भी आप हैं, पंजाब में भी आप हैं, मतलब उत्तराखंड आने से पहले आप बहुत सारी जगह घूम चुकी हैं, तो उत्तराखंड आना कैसे हुआ और पहला गाना कौन सा था? अच्छा, मेरे को ना उत्तराखंड से स्टार्टिंग से ही था कि मैं उत्तराखंड करूँ। तो मैं क्या करती थी ना, ये जितने भी गाने चलते थे, अब लगलू मंडान आपने सुना होगा, लहंगा आपने इंदर आर्य का सुना होगा, प्रियंका मेहर के कुछ गाने बड़े हिट थे, तो मैं क्या करती थी, कवर बना के डाल देती थी। ओके, तो मैंने जब पहला लहंगा डाला इंदर आर्य का, तो वो बहुत वायरल हुआ। अच्छा, मेरे उसमें कोई व्यू नहीं है, लेकिन सब जितने चैनल्स हैं ना उत्तराखंड के, उसमें उन्होंने ये कॉपी करके आपका वीडियो लिया। फिर रूहान से मेरी बात होनी स्टार्ट हुई थी, और रूहान ने मेरा अब लगलू मंडान अपने करिश्मा के चैनल से डाला था, तो वो बड़ा वायरल हो गया। फिर मैंने एक वीडियो थी मेरे घर की शादी की मेरी भाभी के साथ, सेल्फी वाली भौजी मेरी, ललित जी का गाना, वो बड़ा वायरल हो गया, वो पहुँच गया मिलियन में। अच्छा, वो आने तो लग गए, लेकिन वो पहचानता नहीं था ना कोई, कौन है कौन है लड़की, डांस अच्छा कर रही है। उसमें नजर पड़ी संदीप सोनू जी की। ओके, जो गायक भी है मेरे ख्याल से संदीप सोनू, बैठवाना मेरी गाड़ी का गाना है, और उनकी नजर पड़ी और उन्होंने मेरे को स्क्रॉल करा सारा, कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या है। ऑब्वियसली इसमें भी भोजपुरी का हाथ है, क्योंकि भोजपुरी में बड़ा नाम था। अब ये था कि भाई ये भोजपुरी की, आप सोचो उनमें कितनी हिम्मत थी कि उन्होंने उस लड़की को लिया, उस लड़की को लिया, तो उनका तो मैं हमेशा थैंक्स बोलूंगी, मेरी जिंदगी में बहुत अहम हिस्सा है वो। तो वहाँ से उन्होंने मुझे गाना दिया जन्म जन्म, अभी वो उससे ज्यादा व्यू नहीं है, लेकिन 2-3 लाख है, इट्स अ लव सॉन्ग। ओके, और वो हमने गाना किया अमित भट्ट के साथ, अमित भट्ट को आपने काफी गानों में देखा, हे मधु आपने, हाँ एग्जैक्टली, हे मधु के जो हीरो हैं, तो अमित के साथ वो गाना था, फिर हमने किया, अच्छा था, अच्छा रिजल्ट। फिर धीरे धीरे, फिर सेकेंड जो मैंने गाना किया वो था मशक बीन के साथ, तू बता देना, फिर वहाँ से मशक बीन की जर्नी स्टार्ट हुई, फिर हम लोगों ने अच्छे से काम किया, 2-3 गाने आपने देखे होंगे थोड़े वेस्टर्न स्टाइल में, आई शेडो, लेफ्ट राइट, पुलिस, ये वो बिग बजट मूवी, मतलब बिग बजट गाने थे और एक मूवी लेवल को हमने यू नो कनेक्ट किया। अब अच्छा, जो वो वेस्टर्न गाने की ना, तो हमारे उत्तराखंड के लोगों को पसंद नहीं आते, छोटे कपड़े पहनने, यू नो सारा वेस्टर्न आई, लेफ्ट राइट में तो मेरे ख्याल से वही था, थोड़ा प्रो वेस्टर्नाइजेशन था उसमें, लेकिन वीडियो क्वालिटी बहुत एक्चुअली वेरी ट्रू, मतलब वो एक बॉलीवुड को टक्कर देने वाला सॉन्ग आप कह सकते हो। मुझे कॉल आई है सारे गांव से, मुझे कॉल आई, मेरे जो चैनल था वर्ल्ड वाइड भोजपुरी में, उनका आया कि ये गाना हमें दे दो, इसको हम अपने उसमें यू नो भोजपुरी में वो करते हैं, तो फिर हमने इस तरीके का। लेकिन जब पुलिस गाना मेरा शूट हो रहा था, उससे मुझे लगता है 2 दिन बाद मेरा क्रीम पाउडर था, क्रीम पाउडर का बजट इतना था और पुलिस गाने का बजट इतना था, दोनों में कंपैरिजन देखिए आप, और उसमें बिल्कुल सिंपल एक अलग लड़की थी, पुलिस में एक अलग, उसका बड़ा कैमरा और सब कुछ, उसका एक नॉर्मल प्रोडक्शन, लेकिन उस नॉर्मल ने इतना बड़ा कर दिया। एक्चुअली वेरी ट्रू, क्रीम पाउडरा ने आपको पहचान दी, मैं ये कह सकता हूँ। एक्चुअली इट्स सेफ टू से कि निर्मला, आप श्वेता महारा नाम से शायद लोग कम ही जानते हो, लेकिन निर्मला जरूर जानते कि निर्मला वाले हो, तो वो होता है। अब जब हम निर्मला की बात कर ही रहे हैं, बिकॉज क्रीम पाउडरा आपका मतलब अलग लेवल का गाना, और आज भी चल रहा है, लोग बच्चों से लेकर के बड़ों सबके जबान पर वो गाना है, क्रीम पाउडर से श्वेता कैसे जुड़ी और कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ बिहाइंड द सीन्स प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। क्रीम पाउडरा एक तो नहीं, बहुत सिंपल लड़की, सिर्फ सिंपल दिखती है बड़ी तेज, हाँ, तो, पति को काबू में रखना है, और ये ऑरा जो हमारे उत्तराखंड में लड़कियां ब्लेस्ड हैं, हमारे वहाँ पे ना पावर है देवियों की बहुत, ये है, और वो देवियों की पावर हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे अंदर भी है वो, तो वो जो ऑरा है ना एक आदमी को, सॉरी आप भी आदमी लेकिन डरना पड़ेगा, मैं कहीं मेरी वाइफ ही ना देख रही हो, मैं तो सारी लेडीजों को अवेयर करना चाहती हूँ, बिल्कुल डरना नहीं है, एक निर्मला वाला किरदार कि भाई आपको तो भाई अब डिमांड करनी पड़ेगी, मुझे ये भी चाहिए, मुझे लिपस्टिक भी चाहिए, मुझे मेकअप भी चाहिए, मुझे समोसा खिलाओ, जलेबी खिलाओ, आपको करना पड़ेगा, मतलब पति को कंगाल करना तय है। तो मुझे लगता है कि वो एक्सेप्ट करा है सब लोगों ने कि नहीं भाई हमें यही करना है, ये हमारी भी डिमांड है, बड़ा पसंद आया ये गाना, वो पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी थी और प्रोडक्शन बहुत अच्छा था उसका, यू नो एक सारा एक टोटल पैकेज था, सिंगर्स ने बहुत अच्छा किया, पन्नू जी खुद इतने बड़े एक्टर हैं, मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। तो इस तरीके से मैं ये देखती हूँ कि ना वो किरदार ना बड़ा अटपटा था। अच्छा, हमारे गांव में एक लेडी थी,
अब मैं आपको बताती हूँ उसकी लुक के ऊपर. हमारे वहाँ एक लेडी थी, वो ना पूरे टाइम ऐसे गुस्से में रहती थी. अच्छा. पूरे टाइम गुस्से में रहती थी और वैसे साड़ी ऐसे कमर में बांधनी और किसी से बात नहीं करनी और हमेशा चिड़चिड़ी रहनी. कुछ भी घर में लड़ाई होती थी, दराती पकड़ के निकल जाती थी घास काटने के लिए. तो वो मैंने वहाँ से कनेक्ट किया. तो इंस्पिरेशन वहाँ थी. हाँ, मम्मी ने बोला तू ना ऐसा करना, वो जैसे वो करती है ना ऐसे करके. तो जब मुझे डायरेक्टर ने स्टोरी बताई या सुरेश जी ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा करेक्टर है, तो मैंने ना मेरे दिमाग में वही लेडी आ रही थी बार बार. मैंने कहा एक वही है जो ऐसा करती है, हमेशा गुस्से में रहना ऐसा ऐसा. और फिर इस तरीके से वो कनेक्शन जो बना है निर्मला के साथ, लोगों को बहुत पसंद आया. शायद मेरी जो सिंप्लिसिटी है वो लोगों को पसंद आई. तो ओवरऑल मैंने बहुत एंजॉय करा निर्मला को. अच्छा श्वेता, आप बहुत मतलब आपके हिट गाने काफ़ी आ चुके हैं एंड जब आपके गाने हिट होते हैं तो हेटर्स की भी एक जमात खड़ी हो जाती है. आपके जो फैंस हैं वो तो आपकी बात तारीफ करेंगे ही, वो तो आपके बारे में अच्छा बोलेंगे ही, बट जो हेटर्स हैं जो आपको ट्रोल करना चाहते हैं, किस तरह के कमेंट्स आपको उनकी तरफ से मिलते हैं कि यार श्वेता आपने बहुत अच्छा किया या फिर बहुत गंदा ही कर दिया, कूड़ा कर दिया हमारा? वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ तो बड़ी गालियाँ आती हैं, यह है वो है हमारी संस्कृति खराब कर दी, ये है वो है साड़ी पहनो पिछौड़ा पहनो. मुझे लगता है यही मेरे ससुर है जी. ये तो बिल्कुल मेरा ध्यान दे रहे हैं अच्छे से. मैं सोचती प्यार भी है वो, क्योंकि वो ना अपनी संस्कृति खत्म नहीं करना चाहते हैं. लेकिन उनका ना ठीक है प्यार एक तरफ है, लेकिन संस्कृति ऐसे खत्म नहीं हो सकती है. मेरे अंदर से आप मेरा पहाड़ नहीं निकाल सकते कभी भी. हाँ मैं सब कुछ छोड़ दूँ, अगर सपोज सब कुछ छोड़ दिया मैंने, उत्तराखंड में काम नहीं करना, तब हम बोल सकते कि हाँ ये लड़की ने वो कर दिया. लेकिन आई एम स्टिल डूइंग और मैं आगे भी करूंगी, चाहे कम करूंगी लेकिन करूंगी जरूर. अब मैं आपको वापस क्रीम पाउडर पे आता हूँ, और क्योंकि आपने पन्नू जी के साथ काम किया है, पहला एक्सप्रेशन पहला इंप्रेशन आपका पन्नू को लेकर के कैसा था, या ऐसा लगा कि यार बहुत बड़ा एक्टर है उसके साथ काम करूंगी, क्या फीलिंग थी? पन्नू जी को भी पता था कि मैं ऐसे बाहर से आई हूँ, तो उनके दिमाग में एक अलग माइंडसेट था कि यार ये तो उस इंडस्ट्री में काम कर चुकी है, बड़ा एटीट्यूड होगा लड़की में. अब मेरे को ऐसा तो यार ये तो बड़े एक्टर है ना, गढ़वाली की मूवीज इतनी करी, इतने उत्तराखंड के इतने गाने करे, चाहे वो कुमाऊं हो चाहे वो गढ़वाल हो, किसी भी उसके उन्होंने इतने बड़े गाने किए. अब मैं थोड़ी सहमी सहमी सी, मतलब लाइक थोड़ा सा रिस्पेक्ट बोल सकते, ना वो बात करे ना मैं बात करूँ. वो उनके दिमाग में अपना माइंड सेट है, अलग था मेरा अलग था. तो मैं बस नॉर्मली ऐसे होता है ना, एक मतलब अपने को एक्टर को कंफर्ट करने के लिए थोड़ा बहुत हंसी मजाक. लेकिन जब वो हिट हुआ उसके बाद हमने जो बातें करी हैं घंटों घंटों बातें करते थे, अरे पन्नू जी ऐसा, तो वो एक कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग हुआ. उसके बाद ही फिर हमने दूसरा हिट दिया धमेली आपका, वो भी लोगों को बहुत पसंद आया. तो एक रिस्पेक्ट थी, मतलब मुझे ऐसा लगता है. और मैं बता दूं पन्नू जी मेरे बिल्कुल, मेरे बोलते ना एक दिल से एक दुआ निकलती है उनके लिए कि उनको कभी जिंदगी में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वो एक ऐसे एक्टर है जो कभी किसी की चुगलियां नहीं करते हैं, कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं और हमेशा सबको सपोर्ट करते हैं. तो ऐसे को एक्टर की जरूरत होती है हर किसी को, किसी भी को एक्टर को. ट्रू, वेरी ट्रू. तो अब व्यूवर्स के सवाल पे आते हैं. हमने एक पोस्ट डाली थी हमारे सोशल हैंडल्स पर और वहाँ पे कुछ सवाल आए हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं. सबसे पहला सवाल किमानी अंकित जी हैं, उन्होंने लिखा है. पहले तो ये बता दें कि आप उनकी क्रश हैं, तो एंड वो आपकी तारीफ भी करते हैं कि आप बहुत ग्राउंडेड हैं. फिर वो उनका सवाल है कि आपका उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में आइडल कौन है, और वो ये भी जोड़ते हैं कि नेगीदा के अलावा. नेगीदा के अलावा आपका ये आइडल कौन है? दूसरा सवाल उनका है कि आप संजय सिलोड़ी के साथ कब एल्बम कर रही हैं? हाँ, क्या नाम है इनका? अंकित. ये हैं अंकित जी. यस अंकित, हाय अंकित. सो आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. और नेगी जी तो देखिए लेजेंड है. मैंने अभी मूवी लाइन में काम नहीं किया है, तो अभी मूवी की तरफ मैंने इतना नॉलेज नहीं लिया है. लेकिन मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करूँगी तो मेरे जो आइडल हैं वो पप्पू गार्की जी हैं. आपने देखा होगा मोस्टली सॉन्ग्स जो आज भी डांसिंग नंबर है, मैं उन्हीं के ही शो में परफॉर्म करती हूँ. और वो हैं, थे, रहेंगे हमेशा. सेकंड क्या क्वेश्चन था इनका? इनका संजय सिलोड़ी के साथ कब आपका गाना आ रहा है? संजय सिलोड़ी के साथ मेरा ऑलरेडी एक गाना आ चुका है. लेकिन इतना हाईलाइट हुआ नहीं, बट संजू के साथ मैं डेफिनेटली जल्दी काम करूंगी. मुझे लगता है वो ना एक ऐसा आर्टिस्ट है जो कभी बुढ़ा नहीं होने वाला है. Actually, very true. वो बहुत पहले से मिल गए पन्नू के साथ ही उन्होंने शायद आए थे. Exactly. वो तब से वो वैसे की वैसे हैं. आप क्या बोलना चाहते हैं? पन्नू जी बुढ़े हो गए? नहीं, पन्नू जी भी जवान है. पन्नू जी भी आगे बढ़ते हैं. तो एक हमारे भाई साहब हैं डीजे स्पिन इंडिया, तो ये भी आपके बहुत बड़े फैन हैं और इनका इनके सारे सॉन्ग इन्होंने आपके सुने हुए हैं. तो इनका क्वेश्चन ये है कि जो भी आपने अभी तक हिट लिस्ट दी हुई है, इसमें आपका फेवरेट
ट्रैक कौन सा है, और एक और सवाल ये है कि अगर वो पर्सनली आपका कोई ट्रैक रिमिक्स करना चाहें आपके लिए तो कौन सा होगा वो? ओके, मेरा जो फेवरेट ऑब्वियसली वो क्रीम पाउडर है, वो तो प्रायोरिटी मेरे लिए वन है. और अगर आप रिमिक्स करना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि मधु बहुत लोगों ने करा है लेकिन को अभी तक ऐसा कोई ब्लास्ट किसी ने ऐसा मिक्सिंग करी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ मधु या फिर ढाई आदद हमेली, दोनों में से कर सकते, दोनों में से एक कर सकते हैं. देखो मैसेज मिल गया है, आप काम पे लग जाइए. तो एक देवोजीत का सवाल है, ठेठ पहाड़ी गृहिणी कब तक बनने का विचार है? ओके, मुझे लगता है वो शादी के बाद. बट वही वही सवाल है, शादी कब? शादी कब, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी मुझे नहीं करनी है शादी. क्या चाहते हो, मैं ये लाखों लोगों का दिल तोड़ू? मैं शादी कर भी लूंगी तो मैं किसी को बताऊंगी भी नहीं. देवोजीत जी का सवाल जो है, मतलब जवाब मिल गया, डिप्लोमेटिक मिला है. एक्चुअली मैं बताऊं, वो खुद नहीं चाहते मैं शादी करूं. ओके, अनिल जी का सवाल है कि उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए आप क्या वर्क कर रहे हो वो बताइए. अगर मैं इंडस्ट्री के अलावा अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में अपने गांव गई थी और वहां पे रोड के ऐसे मुद्दे थे जो मैंने उठाए वहां पे, और अभी थोड़ा प्रोसेस में चल रहा है काम, और इसमें मैंने सीएम साहब तक भी ये बात पहुंचाई है, और मैं वहां पे विधायक जी से मिली, एसडीएम से भी मेरी वार्तालाप हुई इस बारे में. तो वो मुद्दा जो है वो मैं उठा रही हूँ. तो मैं अपने घर से स्टार्ट करूंगी ना, पहले अपना घर, मेरा गाँव, मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ, तो वो मैंने एक मुद्दा उठाया है. आई होप वो बहुत जल्दी पूरा होगा, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम क्या कर सकते हैं. ट्रू. मीनाक्षी जी का सवाल है कि बॉलीवुड सॉन्ग्स में कब आप एंट्री कर रही हैं? नाइस क्वेश्चन, बहुत जल्दी. आप लोग तैयार हैं मुझे बॉलीवुड देखने के लिए? देखिए ऑडियंस तो तैयार है, पर आप सॉन्ग से एंट्री करने वाली है या मूवी से एंट्री करने वाले हैं वो भी थोड़ा सा? मूवीज के मेरे को कुछ ऑफर आए थे बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी रीजन से नहीं हो पाया, क्योंकि मैं ही नहीं चाहती थी कि मैं कोई सेकंड लीड करूं. तो मैं फर्स्ट लीड, मैं आऊंगी तो फर्स्ट लीड में ही आऊंगी. मैं आपको कोई ऐसे राइट लेफ्ट में नहीं दिखूंगी. अगर राइट लेफ्ट का कुछ ऑफर आता तो मैं नहीं करूंगी, तो फर्स्ट लीड का ही है मेरा. कोई कागज पत्र चल रहे हैं बॉलीवुड की भैया, बातचीत बातचीत चर्चा? चल रही है, लेकिन आई टोल्ड यू ना, मुझे फर्स्ट लीड ही करना है. तो वो थोड़ा इट विल टेक टाइम. अगर फर्स्ट लीड नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं उत्तराखंड की क्वीन हूँ ना, मैं यहाँ पे कर रही हूँ ना. True. तो मैं तब तक आप यहाँ देख सकते हैं मुझे. Exactly, मैं अपने घर की राजा हूँ. तो True. एक जो राजा होता है ना, वो हर जगह अपने आप को राजा ही समझता है, वो जाके वहाँ पे वो सर्वेंट वाले काम नहीं कर सकता. तो ये मेरा एक छोटा सा है, लेकिन हाँ डेफिनेटली कुछ अच्छा ऑफर आएगा तो मैं जरूर करूंगी. काव्य पहाड़ी जी आपसे पूछ रहे हैं कि आप पहाड़ी लुक में बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन आप, हालांकि आपने जवाब दे भी दिया कि आप हो कहाँ से. मैं जीबल से ही हूँ और उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हूँ. जीबल मेरा गांव है, और आपको मैं पहाड़ी लुक में अच्छी लगती हूँ तो आपके लिए एक अलग सी पोस्ट डाल दूंगी पहाड़ी वाली. नाइस. ओके, एक दीपक सिंह रावत जी हैं, ये बोल रहे हैं कि ये सवाल हमारी संस्कृति जो कल्चर की हम बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि हर पहाड़ी पे रिश्तेदारों ने देवता क्यों लगाया होता है? भूत तो चावल मिर्ची से मान जाते हैं, देवता तो बकरा मुर्गा के बिना भी नहीं मानते. आप अपने विचार रखें इस बारे में. ओके, ये तो हर कोई फेस कर रहा है, क्योंकि मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ मेरा डाउनफॉल जा रहा है तो मेरे देवता कहीं नाराज तो नहीं हो गए, दोष तो नहीं लग गया. पर इसमें भी मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग पहले तो अपने, मतलब हर एक छोटी छोटी रीजन का, छोटी छोटी प्रॉब्लम का रीजन भगवान भी नहीं होते हैं. समटाइम आप खुद भी बहुत बड़ा रीजन होते हैं उस चीज को होने का. तो अपने भगवानों को नाराज नहीं करना है, उनको खुश रखना है, और सबसे मेन है अपने घर वालों को नाराज नहीं करना है, क्योंकि अपने घर वालों को नाराज करते हो ना, सब खराब हो जाता है. भगवान तो यही बोलते, तू अपने घर वालों की नहीं है, मेरा क्या होगा. तो ये चीजें हैं इन शॉर्ट. अच्छा, आप क्योंकि आप जिम चलाती हैं दिल्ली में, और अरविंद रावत जी हैं मुझे लगता है जिम वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि यार 50% का डिस्काउंट तो दे दो. वो आपके जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, 50% डिस्काउंट चाहिए उनको, आप बताइए. अच्छा, कितना परसेंट मिलेगा? मेरे जिम में बहुत पहाड़ी है, अगर मैंने सबको 50% दे दिया ना तो शायद रोड पे आना पड़ेगा, कुछ नहीं बचने वाला. और मैं, अच्छा क्या होता है ना, सिर्फ देखिए, सिर्फ बात से मेरे कमाने की नहीं होती है, जो हमारा स्टाफ काम कर रहा है, देखिए उनका भी घर चल रहा है, उससे जिसको रेंट दे रहे हैं उसका रेंट नहीं जाएगा, कुछ नहीं तो क्या करेंगे. आप ऐसे मत बोला यार, आप 50% एक्स्ट्रा दो मुझे बल्कि. पर डेफिनेटली आपने बोला, मैं आपको डिस्काउंट जरूर दूंगी. पहुंच जाना, ये वाले क्लिप लेकर के पहुंच जाना कि मैं वही अरविंद लेके पहुंचोगे, आपका फ्री भी कर दूंगी. अच्छा, हिमांशु जी का सवाल है कि क्योंकि आप कई जगह काम करती हैं, उत्तराखंड में अच्छा लगता है या बाहर अच्छा लगता है? उत्तराखंड से प्यार है, मजा आता है यहाँ पे. बाहर तो थोड़ा पैसों के लिए भी करते हैं हम काम, और थोड़ा
एक अटैचमेंट है कि मैं इंडिया से हूँ, बाहर के कल्चर भी बहुत अच्छे होते हैं. तो देखिए सारा काम पैसों के लिए भी नहीं होता है, लेकिन घर तो चलाना है ना कैसे भी करके. तो अटैचमेंट उत्तराखंड इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड सेकेंड बाकी जगह पे मुझे उत्तराखंड को बड़ा करना है, पैसा भी कमाना है, नाम भी कमाना है, सारी चीजें. ओके, एक सवाल मतलब आखिरी सवाल है यार, लेकिन ये दुनिया मतलब इससे रिलेटेड नहीं है. Okay. अब मुझे पता नहीं आपको इसका जवाब आएगा कि नहीं, अगर आपने साइंस पढ़ी हो. Okay. मुझे तो जवाब इसका आता नहीं है. अच्छा. हर्षित जी हैं, ये पूछ रहे कि फिटकरी का फॉर्मूला क्या है. मैं साइंस स्टूडेंट बिल्कुल नहीं थी, मैंने बहुत पहले साइंस को अल्फा कह दिया था. तो हर्षित जी क्या बोल रहा है, फिटकरी का फॉर्मूला? फिटकरी वही होती ना. यार इसका तो नहीं पता है. देखो यहाँ ना होस्ट को ना गेस्ट को किसी को पता नहीं है. आप जो है इंटरनेट पे देख सकते हैं, आपको वहाँ फॉर्मूला मिल जाएगा. खैर ये जरा देखना चाहते थे कितनी पढ़ी लिखी लड़की है. पढ़ी लिखी बहुत हूँ लेकिन ये फिटकरी नहीं पता, बस मुझे इतना पता है वो ऐसे लगाते हैं. मुझे भी यही आइडिया है कि फिटकरी वही जो दाढ़ी लगाते करते हो, बस यही आइडिया है. खैर ये थे व्यूअर्स के क्वेश्चंस. अब एक दो सेगमेंट हमने आपके लिए और रखे हुए हैं. अब हम श्वेता के साथ एक सेगमेंट करने वाले हैं जिसमें हम श्वेता को कुछ पहाड़ी ज्वेलरी दिखाएंगे. देखते हैं श्वेता फैशन में तो उनका सेंस बहुत अच्छा है, साड़ियाँ और उन जिस तरीके से वो सजी रहती हैं पता चल जाता है, तो वो पहाड़ी ज्वेलरी को कितना जानने की जानती हैं वो जरा देखते हैं. उनका आई क्यू लेवल वहाँ पर कितना आता है वो पता करने की कोशिश करते हैं. तो श्वेता पहली टीवी स्क्रीन पर आपके हमारी ज्वेलरी दिख रही है और आपने पहनी भी है, ये है क्या? ये गलोबंद देखना. हाँ गोलाबंद है, ठीक है. सेकंड लेके आना, ये क्या है? नथली यहाँ पहनी जाती है, ऐसी होती है. ओके टीरी की नथ, बेसिकली हाँ नथली सही है, ये हम नथली बोलते हैं इसको, टीरी की नथ है. ये क्या है? ये बेसिकली ये मंगलसूत्र में ही आता है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे इसका नाम नहीं पता क्योंकि हमारे वहाँ ये लाल डोरे में नहीं पहनी जाती, हमारे वहाँ ब्लैक उसमें पहनी जाती है. हमारे मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ कुमाऊँ साइड में पहनी जाती है, तो बेसिकली इसको एज अ मंगलसूत्र ही यूज किया जाता है, बट एग्जैक्ट इसका पहाड़ी वर्जन नेम मुझे नहीं पता. ओके तो इसका नाम तिमणिया है, इसको तिमणिया बोलते हैं. एंड नेक्स्ट इसको बोलते हैं पोंजी. यस ट्रू. और कोई और बचा हमारे पास? ये क्या है? हाँ, ये, जी ने पहना है. जी ये मुझे इसका नाम नहीं पता है क्योंकि हमारे वहाँ बहुत साल पहले पहना जाता था. Yes. और ओके बुलाक, बुलाक मुझे याद हो जाएगा ये, और मैं नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर होके आऊंगी. क्या क्या पूछने वाले हैं? तो ये कुछ मतलब हम चाहते थे कि क्योंकि आप फैशन से आती हैं. एग्जैक्टली. और जो बुलाक, अब तो मेरे को नाम पता ही चल गया है, तो मैंने अभी तक इसको ना पहना नहीं है. ओके okay. और अब मैंने देख लिया तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इसको पहनूं. ये बहुत एक्चुअली बहुत पहले इसको पहना जाता था, बहुत कम हो गया एक्चुअली ये. तो ये पहाड़ी ज्वेलरीज थी. तो चलो इसमें तो आपने नंबर्स अच्छे हासिल किए हैं. अब एक और सेशन है जो हम आपके साथ करना चाहते हैं, पहचान कौन. अब पहचान कौन वाले सेशन में हम क्या कर रहे हैं कि हम श्वेता को जिनके साथ आपने काम किया उनके फोटोज उनकी आंखें दिखाने वाले हैं और आपको उनको पहचानना है. ठीक है. चलो ये तो अंकित भट्ट है, नहीं अमित भट्ट, सॉरी अमित भट्ट. यस नेक्स्ट नेक्स्ट इनको पहचानिए. पवन सिंह. बहुत सही. ओके नेक्स्ट पन्नू गुसाई जी. सब पकड़ ले रही है. नेक्स्ट इंदर आर्या. ओके नेक्स्ट पप्पू कार्की जी. यार ये सेगमेंट आपने बड़ा छोटा कर दिया यार. मतलब आपने सबको पहचान लिया जिनके साथ आप काम करते हैं, पप्पू कार्की तो आप उनको पसंद करती ही हैं. तो ये दो सेगमेंट हम आपके साथ करना चाहते थे. एंड क्योंकि अब श्वेता जब स्टूडियो में हो, जब उनके साथ इंटरव्यू हो, तो डांस के बिना बात तो हो नहीं सकती. ओके तो अभी हम लोग उठ चुके हैं अपनी कुर्सियों से, इंटरव्यू का पार्ट हो चुका है. जब श्वेता है तो डांस तो बनता ही है. तो श्वेता सबसे पहले आपका मतलब क्रीम पाउडर तो आपकी हिट थी, लेकिन जो डांस हमें आपका देखने का मिला हे मधु में देखने का मिला, तो मैं अपने साथी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गाना बजाएं एंड प्लीज डांस. आपको भी करना पड़ेगा. मैं आपको देख के कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा. ठीक है. एक ही गाने में नहीं नचाना, वो दूसरा गाने में लगाना भाई.
तो ये है मधु थी, मधु आ गई हमारे बीच। अब मधु के बाद जो है मतलब इनकी एक प्रेम कहानी अगर हमने नहीं जानी, ढाई हाथी धामेली, तो उसके बिना मजा क्या आएगा। तो डायरेक्ट मैं अपने कलीग से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक और गाना। तेरी ढाई हाथ धामेली बुजिरे कमारा नी मारे लाटा का बड़ी चालो छसका तेरी बाली जो उमारा मैं तेरी फिकारा सुआ लागली नजारा कम कम सवारा मेरी ढाई हाथ धामेली बुजिरे कमारा मठु मठु ही टूलो जन करे फिकारा ना सोची ना दान तेरी बाली उमारा कल काजल लगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जब श्वेता डांस कर रही हो तो दूसरे को कौन देखेगा यार, तो इसलिए मैं इस फ्रेम से आउट हो गया था। बट श्वेता, क्योंकि आप डांस भी सिखाती हैं, आप जिम भी करवाती हैं, एंड कुछ हमारे कॉलिग्स हैं जो डांस में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, एंड दे वांट कि आप हे मधु या फिर ढाई हाथी धामेली जो भी गाना आपको सही लगे उनको दो तीन स्टेप्स आप सिखा दीजिए। तो मैं अपने कॉलिग्स को बुलाता हूँ, इशिका, नेहा। तो ठीक है, ये आ गए हैं हमारे कॉलिग्स, आ गए हैं भाई। श्वेता, अब आप जो है आपका स्टेज है, आप इन्हें सिखाइए या फिर नचवाइए, आपकी मर्जी है। आ जाओ प्लीज कर। ओके, प्ले द म्यूजिक। कानू में झुमका परी माता में बिंदिया गालो गाओ गंदा परी हाथ में पूजिया पल मोड़े की बाल मिठाई चार गाल है समाई दुनिया की कोट नजर संभाली बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी श्वेता महारा, डांस भी सीख लिया, डांस भी करा लिया और फॉलो भी कर लिया, और बहुत अच्छा किया हमारे कॉलिग्स ने भी, वेल डन। सो श्वेता महारा हमारे स्टूडियो में आई हैं और बहुत ढेर सारी बातचीत हमने इनसे की, हमने इनके ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश की, उन मुद्दों पे बात की जो अक्सर लोग बात नहीं करते हैं, तो उन पर भी हमने बात की। और क्योंकि अब श्वेता है तो डांस नहीं करवाएंगे तो कैसे चलेगा, तो डांस भी हो गया है। तो थैंक यू श्वेता, आप हमारे स्टूडियो में आई, इतनी ढेर सारी बात की और इतना एंटरटेनमेंट हमें दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सभी को और जितने भी यहाँ पे स्टाफ सब लोग काम करे, स्पेशली यू, और सब लोगों का दिल से धन्यवाद, क्योंकि मुझे भी बहुत मजा आया। इस टाइप का कुछ फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है, तो वी ट्राइड कि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाएं, फन बनाएं। एक्चुअली भूमि ऑफिशियल नाम से ये है, ये एकदम एकदम हिट हो जाए पूरे उत्तराखंड में और आप लोग सपोर्ट करें, देखें, और आप इनको बताएं कि ये किस किस को बुला सकते हैं। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक आपके सजेशन आएंगे हम उनको फॉलो करेंगे। तो थैंक यू श्वेता, थैंक यू वेरी मच। म्यारी आखी तेरी घुंघराल बाला ओए होए फसेल।